हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम के चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का दिन आप लोगों ने देखा ही होगा, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों का दिन बिजी था जस्ट बिकॉज ऑफ अ टू स्टॉक। एक का नाम है येस बैंक एंड दूसरा था इन्फोसिस। सो डेफिनेटली बहुत सारी कुछ न्यूज़ आ चुकी थी येस बैंक से रिलेटेड, तो उसी से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी थी जो कि मैं अभी आप लोगों के सामने कवर करने वाला हूँ, जो कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ी रहेगी। तो चलिए दोस्तों, डायरेक्टली हम लोग उस न्यूज़ के ऊपर ही आ जाते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि मैंने कहा था कि बिजनेस स्टैंडर्ड इस वेबसाइट के ऊपर फिलहाल हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। एंड सबसे पहले अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे कि न्यूज़ का हेडिंग ही आप देख सकते हो, येस बैंक ऑडिट कमिटी चीफ क्विट। मतलब मैं मिस्टर अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, जो कि आप लोगों ने कल भी देखा था, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी थे वो येस बैंक के, तो उन्होंने यहाँ पे क्विट किया है। एंड उन्होंने बोला है, मैं वापस आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये उनका स्टेटमेंट है, ही सेज दैट द गिल मिसलीड ऑन अ कैपिटल रेजिंग। सो उन्होंने बहुत बड़ा आरोप लगाया है किसके ऊपर, येस बैंक के सबसे बड़े ऑफिसर मतलब MD एंड जो CEO है येस बैंक का, जो येस बैंक को फिलहाल रन कर रहे हैं, हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, उनके ऊपर उन्होंने ये आरोप लगाया। एंड ये आरोप किस प्रकार का है कि वो मिसलीड कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, किसके रिलेटेड, कैपिटल रेजिंग से रिलेटेड। तो उसी से रिलेटेड ये इंटरव्यू उनका लिया गया, उसी से रिलेटेड जो ये लेटर, उन्होंने ये सारी बातें लेटर में लिखी हुई है। दोस्तों, ये कोई मेरी खुद की कहानी नहीं है, आप चाहो तो वो लेटर भी चेकआउट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने बोली भी है जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है। सो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये सारी चीज़ें लेटर में लिखी हुई है, बहुत बड़ा लेटर है। सो जितना इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगा वही हम लोग यहाँ पे कंसिडर करने वाले हैं कि क्या क्या चीज़ें उन्होंने यहाँ पे रेज की है, किन चीज़ों के साथ उनको दिक्कतें थी एंड क्यों उन्होंने यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया है। तो शुरुआत हम लोग फॉर्मेलिटी के साथ ही करेंगे कि येस बैंक के वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर थे, उसके साथ साथ वो चेयरमैन भी थे ऑडिट कमेटी के, जिसका नाम आप देख सकते हैं, उत्तम प्रकाश अग्रवाल जी। एंड उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे रेजिग्नेशन दे दिया कल के दिन, मतलब फ्राइडे के दिन। एंड उन्होंने ये आरोप लगाया कि येस बैंक के जो MD है या फिर हम लोग चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी बोल सकते हो, मिस्टर रवनीत गिल, हैड मिसलीड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अबाउट द बाइंडिंग ऑफर टू रेज द कैपिटल। सो कैपिटल रेजिंग से रिलेटेड मिस्टर गिल यहाँ पे सबको गुमराह कर रहे, ऐसा उनका आरोप है, ये हम लोगों ने यहाँ पे सबसे पहले देख लिया। उसी के साथ साथ येस बैंक को भी ये क्वेश्चन पूछा गया, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, येस बैंक के बोर्ड ने कहा है कि उनका जो नोटिफिकेशन है वो उन्होंने यहाँ पे रिसीव किया है रेजिग्नेशन से रिलेटेड। एंड यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने भी उनके कहा है कि वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो भी चीज़ें उन्होंने येस बैंक के जो गवर्नेंस से रिलेटेड यहाँ पे बताई थी वो क्या कर रहे हैं, एग्जामाइन कर रहे हैं, एंड जो भी चीज़ वो सामने आएगी वो यहाँ पे बता देंगे। उसी के साथ साथ बैंक ने और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ें भी यहाँ पे बता दी जो कि मिस्टर अग्रवाल जी से रिलेटेड है, आप यहाँ पे इस पैरा में पढ़ सकते हो। बैंक ऑल्सो सेड इट वॉज इन्वेस्टिगेटिंग वेदर द अग्रवाल मीट द फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया एज एन अ डायरेक्टर आफ्टर बींग कॉशन बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बट बिफोर द इशू कुड बी टेकन अप बाय द बोर्ड ऑन अ फ्राइडे ही रिजाइन। सो डेफिनेटली येस बैंक भी ये कंसिडर कर रहा था कि मिस्टर अग्रवाल ये प्रॉपर फिट एंड प्रॉपर की जो डेफिनेशन रहती है एज एन अ डायरेक्टर येस बैंक बनने के लिए, तो वो एक बार वापस रिकंसिडर कर रहे थे, चेकआउट कर रहे थे, बट उससे पहले ही उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। सो दोस्तों, ये जो वाली येस बैंक ने ये जो बात बोली, थोड़ी सी मेरी तरफ से ये मैं बात बोल रहा हूँ कि थोड़ी सी मेरे को हजम नहीं हो रही, क्योंकि मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि कोई नॉर्मल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट होता है ना तो मैं एक बार समझ सकता हूँ, बट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, उसी के साथ साथ वो चेयरमैन भी थे ऑडिट कमेटी के, तो ये उनका अपॉइंटमेंट बहुत ही कॉशन के साथ हुआ रहेगा। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना ये कोई आम बात नहीं होती है। मतलब मैं आप लोगों को वापस जैसे बता रहा हूँ कि एक अपार्ट फ्रॉम दिस कि एक नॉलेज की बात बता दूं, लॉ की बात है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है किसी कंपनी का भी, आप डायरेक्टर बन सकते हो, बट आपको वो एप्लीकेशन आप सामने रखोगे मीटिंग में तो आप लोगों को कुछ पैसा होता है वो डिपॉजिट करना होता है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 25,000 अमाउंट रहता है वो आपको डिपॉजिट करना होता है, बट अगर आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो गए तो आपको कोई भी पैसा रखना नहीं होता है, क्योंकि आप एक रेप्यूटेड इंसान होते हो। मतलब मैं आप लोगों को बोला कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने की कोई आम बात नहीं है, मैंने कल भी बताया था सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 अगर आप कंपनी लॉ में जाके पढ़ोगे तो इतना क्राइटेरिया लिखा है अगर आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनना है किसी भी कंपनी का, तो ये इतने ज़बरदस्त स्ट्रिक्ट रूल्स रहते हैं, तो उसके बाद उनका सिलेक्शन होता है। तो ये अगर चीज़ अगर आपको देखना है कि सेक्शन 160 में ये सारी चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो कैसे कैसे प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। मैं हमेशा आप लोगों को लॉ का रेफरेंस ज़रूर देता हूँ, बट यहाँ पे भी ये गवर्नमेंट के साइड में भी अगर आप जाओगे तो ग्रीन पॉइंट में यहाँ पे आप लोगों को देख सकते हैं, हाईलाइट किया है, प्रोवाइडेड दैट द रिक्वायरमेंट ऑफ अ डिपॉजिट ऑफ अन अमाउंट, जो मैंने कहा था कि अगर आपको डायरेक्टर बनना है तो ये
रूल अप्लाई नहीं होता है इन द केस ऑफ एन अपॉइंटमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। सो आप लोग समझ सकते हो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितना हाई लेवल का एक मतलब बोलते पद होता है। एंड उसी से रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं कि अगर उन्होंने अगर लेटर लिखा है आरबीआई को लिखा है सेबी को भी लिखा है या फिर बैंक को भी बताया है एक्सचेंजेस को बताया है सो ये सारे डायरेक्ट एक्शन लेने के लिए पूरी यहाँ पे सोच सकते हैं क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन होता है। एंड जैसे मैंने कहा कि उनके नाम में लिखा है इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट मतलब स्वतंत्र, उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता किसी भी कंपनी में। एंड मैं वापस रिपीट करना चाहता हूँ ये कोई सिर्फ येस बैंक की बात नहीं है, अगर आप हर एक कंपनी देखोगे हर एक कंपनी में जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपने कंपनी में रखना होता ही होता है क्योंकि ऐसी कोई चीज़ें होती है तो वो डेफिनेटली बोलते हैं क्योंकि बैंक में उनका या फिर किसी भी कंपनी में वो एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम कर रहे तो उनका कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता है। सो जो भी चीज़ वो बोलते हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस किया जाता है एंड उनको ज़्यादा सीरियसली भी लिया जाता है। सो दोस्तों आप देख सकते हो वापस हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। थोड़ा सा मैंने आपको कहा कि नॉर्मल चीज़ें हम लोग पढ़ के तो बता सकते हैं बट ऐसी जो चीज़ें रहती है वो भी इंपॉर्टेंट होती है आप लोगों को समझने के लिए। तो अभी हम लोग और आगे चीज़ जाते हैं जहाँ पे मिस्टर अग्रवाल जी ने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है जो कि हम लोगों को कुछ ना कुछ थोड़ी सी सच होती हुई भी देखने को मिल रही है। तो मिस्टर अग्रवाल जी ने सबसे पहला ये आरोप लगाया कि जो साइटेक्स ग्रुप है उनका अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो सिर्फ वो पाउंड 100 है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते सिर्फ 100 pounds, मतलब हम लोग कह सकते इतना कम कैपिटल होने के बावजूद येस बैंक ने उसको कंसिडर किया। उसी के साथ साथ साइटेक्स के साथ साथ उन्होंने कहा कि मिस्टर ब्रिज मतलब इरिन सिंह से रिलेटेड ही ऑफर की बात करिए कि उन्होंने ऐसी कोई भी बाइंडिंग कमिटमेंट नहीं बताई थी। कमिटमेंट मतलब उन्होंने कहा था कि वो डॉलर 1.2 बिलियन की जो बात येस बैंक बोल रही थी मिस्टर रवनीत गिल ने ये कही थी कि डॉलर 1.2 बिलियन लेके आने वाले तो ऐसा कोई भी गारंटी वाला उन्होंने लेटर के फॉर्म में मतलब लिख के कोई भी बात ऐसी नहीं बोली थी। और ना ही साइटेक्स ने भी कही कि डॉलर 500 मिलियन की जो बात यहाँ पे कर रहे हैं वो भी चीज़ यहाँ पे कोई भी बाइंडिंग नहीं है ऐसा मिस्टर अग्रवाल जी का कहना है। सो हम लोग डेफिनेटली कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं डॉलर 1.2 बिलियन की जो कैपिटलाइजेशन बैंक की बात वो बोल रहे थे वो तो हम लोगों को कल ही देखने को मिली कि येस बैंक ने इसको कंसिडर नहीं किया कैंसिल भी कर दिया। सो डेफिनेटली अभी हम लोग देख सकते हैं साइटेक्स से रिलेटेड भी मिस्टर अग्रवाल जी ने ऑलरेडी सबको बता दिया है कि ये भी शायद से चीज़ कैंसिल हो सकती है क्योंकि उनका कैपिटल ही सिर्फ इतना 100 pounds का है। और अगर हम लोग बात करें कल के बोर्ड मीटिंग की तो आप खुद देख सकते हो दोस्तों साइटेक्स से रिलेटेड भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया हुआ है एंड येस बैंक ने भी बोला है कि हम लोग उसको नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में क्या करने वाले उसको कंसीडर करने वाले। तो शायद से हम लोगों को नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग अगर अग्रवाल जी की बात सच होती है तो साइटेक्स से रिलेटेड भी जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था वो भी कैंसिल होते हुए देखने को मिल सकता है। सो दोस्तों उसी के साथ साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात भी मिस्टर अग्रवाल जी ने यहाँ पे कही है कि येस बैंक से रिलेटेड अगर वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ को हाईलाइट करते मतलब जो गलत चीज़ होती थी तो वो यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड वो कुछ चीज़ें उनको याद दिलाते थे कि लीगल रिलेटेड तो यहाँ पे उन्होंने वो क्लैरिफाई कर दिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ केरला है एंड अदर उन्होंने क्या कर दिया गिव मी अ क्लीन चिट। सो वही टूल का वो यूज़ करते क्या करते थे उनको प्रेशराइज किया करते थे बट वो चीज़ों से रिलेटेड उनको ऑलरेडी क्लीन चिट मिली है वो उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है। एंड उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनको प्रेशराइज इसीलिए किया जाता था बिकॉज वो एक वोकल मेंबर थे बोर्ड के एंड उसी के साथ साथ वो अगेंस्ट द मैल प्रैक्टिसेस बात करते थे। मैल प्रैक्टिसेस मतलब जो कोई भी रॉन्ग चीज़ होती थी उसके अगेंस्ट वो बात करते थे एंड इसीलिए यहाँ पे उनको क्या किया जाता था प्रेशराइज किया जाता था। तो ये मेरे कहने के शब्द नहीं है दोस्तों आप खुद देख सकते थे मिस्टर अग्रवाल जी ने यहाँ पे बताए हुए हैं। उसी के साथ साथ मिस्टर अग्रवाल जी ने ये भी कहा है कि अभी जब मैंने ये सवाल उठे तो अभी मेरे फिट एंड प्रॉपर की चिंता येस बैंक को क्यों हो रही क्योंकि मैं अगर देखा जाए तो फिट एंड प्रॉपर का जो क्राइटेरिया से अगर वो बात करें तो मैं डायरेक्टर तो नवंबर 2018 से बना हुआ हूँ तो अभी इनको एक साल हो जाने के बाद अभी याद क्यों आ रहा है। तो ऐसे मिस्टर अग्रवाल जी ने ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है दोस्तों एंड जैसे मैंने कहा ये सारी चीज़ें लेटर में लिखी हुई है। सो मिस्टर अग्रवाल जी ने ये भी कहा है कि ये सारी चीज़ें जो एलिगेशंस वाली चीज़ें वो बहुत ही ज़बरदस्त हार्ड फैक्ट वाली है मतलब जो खुद वो येस बैंक के ऊपर लगा रहे क्योंकि उन्होंने कहा है कि अगर कैपिटल रेजिंग के इशू की बात करें तो लगातार 4 महीने से चल रही है ये बात। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें दे डिडंट इवन डू अ ड्यू डिलीजेंस ऑन अ साइटेक्स उन्होंने साइटेक्स की बात को यहाँ पे बताया कि ड्यू डिलीजेंस नहीं किया है। इस शब्द का अर्थ मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि कोई भी चीज़ अगर आपके
पास पैसा लेके आ रही है तो या वो उनके पास पैसा है या नहीं, अगर वो ला रही है तो वो खुद कहाँ से ला रही है, क्या उनकी खुद की कैपेसिटी या नहीं। इनफैक्ट हम लोग ड्यू डिलीजेंस को बोल सकते हैं कि प्रॉपर इंक्वायरी करना, तो वो भी उन्होंने येस बैंक ने नहीं किए, ऐसा मिस्टर अग्रवाल बोल रहे हैं। उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बोला है कि डिड दे फाइंड इफ द इन्वेस्टर हैज एन इनफ मनी टू इन्वेस्ट इन द बैंक। सो यही ड्यू डिलीजेंस की बात उन्होंने कही है कि खुद के पास साइटेक्स के पास पैसा है या नहीं, ये भी उन्होंने चेक नहीं किया। एंड जस्ट यहाँ पे वो कंसिडर करें कि $500 million साइटेक्स यहाँ पे येस बैंक में इन्वेस्ट करने वाली है। सो उन्होंने भी कहा है कि उन्होंने फिट एंड प्रॉपर का जो क्राइटेरिया है वो साइटेक्स के ऊपर लगाना चाहिए एंड वही चीज़ को उन्होंने चेक करनी चाहिए, ऐसे अग्रवाल जी ने बोला है। सो नेक्स्ट पैरा भाई अगर आप देखते हैं तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो ही एलिगेट इन हिज लेटर। सो ये लेटर में लिखी हुई बात है, तो अगर आप देख सकते हैं कैपिटल मार्केट को बताया, उसी के साथ साथ बैंकिंग रेगुलेटर RBI को बताया, उसी के साथ साथ एक्सचेंजेस को भी ये लेटर जा चुका है, NSE BSE हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। उनमें उन्होंने ये कहा है कि येस बैंक के CEO उनके ऊपर आरोप लगाए, इनिशियली डिड नॉट वॉन्ट टू डिस्क्लोज टू द बोर्ड द नेम ऑफ एन इन्वेस्टर हु गेव द बाइंडिंग ऑफर्स। पहले तो नाम उन्होंने बताई नहीं एंड बाद में सब्सिक्वेंटली मीटिंग में मिस्टर गिल ने जो कम्युनिकेट किया नेम वो वर्बली किया, सिर्फ बोल के किया। एंड इट वॉज ऑल्सो फाउंड डैट वन ऑफ द देम उसमें से एक साइटेक्स थे एंड उसका शेयर कैपिटल जस्ट £100 का था, अगर इंडियन रुपीज़ की बात करें सिर्फ ₹10,000 के आसपास हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद भी आप देख सकते हैं अग्रवाल जी की, अगर आप रेजिग्नेशन लेटर को पढ़ेंगे उसमें ये पैराग्राफ डाला हुआ है, उन्होंने कहा है देर आर द सीरियस कंसर्न एज रिगार्ड एज इन अ डिटोरिएटिंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ अ कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कि बैंक में जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसका स्टैंडर्ड कैसे डिटोरिएट खराब हो चुका है। उसी के साथ साथ फेलियर्स ऑफ अ कंप्लेंस, जो चीज़ को फॉलो करनी चाहिए वो भी फेल हो रही है, प्रॉपरली नहीं की जा रही है, मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस भी प्रॉपरली यहाँ पे फॉलो नहीं की जा रही है, द स्टेट ऑफ एन अफेयर्स ऑफ एन कंपनी जो कंडक्ट करें मिस्टर रवनीत गिल, और सिर्फ रवनीत गिल नहीं सीनियर ग्रुप के प्रेसिडेंट गवर्नर मतलब डॉक्टर राजू की भी उन्होंने बात की कि वो प्रॉपरली यहाँ पे जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करनी चाहिए वो कैसे कर रहे, प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे एंड वो क्या हो गए डिटोरिएट खराब हो चुके हैं। उसी के साथ साथ दोस्तों ये और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, उन्होंने बहुत बड़ा लेटर है बट जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको मैं हाईलाइट करना चाहूँगा। मिस्टर अग्रवाल जी ने ये भी कहा है कि सबसे पहले मिस्टर रवनीत गिल ने कहा था कि $1.2 billion बैंक के पास आने वाले, ऐसा कमिटमेंट उन्होंने यहाँ पे दिया था कि ग्लोबल इन्वेस्टर यहाँ पे आने वाले, एक मीटिंग हुई थी ऐसा मिस्टर रवनीत गिल ने कहा था। बट अग्रवाल जी ने ये भी कहा है देर वॉज अन नो मीटिंग हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ अ डायरेक्टर टू कंसिडरिंग दिस प्रपोजल, ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई थी कि जो $1.2 billion ऐसा कोई निवेशक आने वाला है। यहाँ पे आप देख सकते हो एंड इसीलिए आप यहाँ पे चेकआउट भी कर सकते हो दोस्तों कि $1.2 billion का जो डील है येस बैंक ने कल कैंसिल भी कर दिया है। उसी के साथ साथ द बैंक सब्सिक्वेंटली इन्फॉर्म दैट द एक्सचेंजेस दैट इट हैड रिसीव्ड अ सच ऑफर विदाउट अ डिस्क्लोजिंग द नेम ऑफ द इन्वेस्टर। सो आप सभी लोगों को पता भी होगा, एक वीडियो भी मैंने पुराने इसमें बनाया था कि $1.2 billion यहाँ पे आने वाले बट उन्होंने नाम नहीं बताया था, तो यही उन्होंने कहा था कि वो नाम इसलिए नहीं बता रहे थे क्योंकि वो खुद ही यहाँ पे कंफर्म नहीं थे एंड ऐसी कोई भी मीटिंग हुई नहीं थी कि उनका जो इन्वेस्टमेंट आने वाला था उसको हम लोग कंसिडर कर दे। उसी के साथ आप आगे भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि अग्रवाल जी ने और भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ कही थी, जैसे कि वो इरिन सिंह से रिलेटेड अगर हम लोग बात देखते हैं या फिर अगर हम लोग साइटेक्स की बात करें तो उन्होंने यही कहा है कि मिस्टर गिल जो ये बात बोल रही थी वो कैसी थी, इमेजिनेशन वाली बात थी, कोई भी यहाँ पे बाइंडिंग ऑफर मतलब उन्होंने कंफर्म बोला ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं या फिर नहीं आने वाले, बट फिर भी उन्होंने ये सारी चीज़ें मीडिया के सामने रख दी। एंड अगर आप यहाँ पे देख से कि साइटेक्स एंड इरिन सिंह से रिलेटेड अगर जो ऑफर की बातें की वो कैसी थी, इनकम्प्लीट थी एंड डिड नॉट इंक्लूड द फर्म कमिटमेंट एज टू द प्राइस कितना होगा, कितने साइज ला रहे, टाइमिंग कब है, कन्फर्मेशन क्या है, ये सारी चीज़ें अगर आप देखते हो फंड रेजिंग से रिलेटेड वो कैसी थी, क्वेश्चन मार्क वाली थी। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि पार्शली चीज़ें ये सच होती हुई दिख रही क्योंकि इरिन सिंह से रिलेटेड यहाँ पे ये मैटर अभी क्लोज हो चुका है, बट अभी साइटेक्स की बात जैसे उन्होंने कही थी तो अभी यही देखना है कि नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में जैसे अग्रवाल जी ने कहा था वो सच होती है कि नहीं, मतलब साइटेक्स से रिलेटेड ये जो इन्वेस्टमेंट आने वाली बात है क्या बैंक इसको कंसिडर करता है, क्या इसको भी रिजेक्ट करता है, ये हम लोगों को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों अभी आप देख सकते हैं हम लोग उस ओरिजिनल लेटर के ऊपर भी आ चुके हैं जो कि हम लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं रीज़न ऑफ अनर रेजिग्नेशन, तो इसमें भी ये सारी चीज़ें आप लोगों को इजीली मिल जाएगी। एंड उसमें मिस्टर अग्रवाल जी ने जो MD एंड CEO है मिस्टर रवनीत गिल उनके ऊपर ही आरोप लगाया कि वो मिसलीड कर रहे हैं अपने शेयर होल्डर्स को, अपने स्टेक होल्डर्स को, इन्वेस्टर को, डिपॉजिटर्स को। तो ये बहुत ही हम लोग कह सकते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे फिलहाल देख रहे हैं।
तो दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। फिलहाल मेरा तो काम इतना ही था कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचाना एंड आप लोगों को मैंने वेबसाइट भी बता दी एंड ये सारी चीज़ें बीएससी के ऊपर का जो लेटर है उसका भी कॉपी बता दिया। आप चाहो तो ये भी यहाँ पे पढ़ सकते हो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।